क्या आपको पता है कि और देशों की तरह इंडिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। इंडिया ने भी क्रिप्टो और बिटकॉइन की तरह अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, जो कि इन करेंसी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल ये क्रिप्टो करेंसी केवल होलसेल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, होलसेल बिजनेस मर्चेंट को दी जा रही है। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, केवल उन्हीं के इस्तेमाल के लिए इसे दिया जा रहा है। इसे पब्लिकली अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में इसे पब्लिकली इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई सीबीडीसी को एज अ पब्लिक यूज़ के लिए ओपन करेगा। सीबीडीसी क्या है? तो सीबीडीसी बेसिकली क्या होता है? सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल ये किसी भी देश की खुद की करेंसी होती है, सीबीडीसी कहलाती है। भारत भी सीबीडीसी लॉन्च कर और हम भी सीबीडीसी को इस्तेमाल कर पाएंगे। इस्तेमाल करते हैं नोट्स का, चेक का, तो वो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है वो फिजिकल ट्रांजेक्शन कहलाता है। बट जब भी हम बात करते हैं फिजिकल ट्रांजेक्शन की, तो उसमें हम नोट और इन सब की बात करते हैं। मगर जब हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन की, तो उसमें हम बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप किसी कार में गए, आप किसी शोरूम में गए कार खरीदने, आप शोरूम में कार खरीदने गए और आपने उसको चेक किया, रुपए दिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन ऑफ है, ये मोड जो है ट्रांजेक्शन का, इसको फिजिकल ट्रांजेक्शन कहते हैं। वहीं कुछ सालों बाद अगर आप कोई कार लेने गए और आपने रुपए और चेक की बजाय उसे डिजिटल करेंसी दी, तो ये जो मोड है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसको हम द डिजिटल ट्रांजेक्शन का मोड कहेंगे। तो यही होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन और फिजिकल ट्रांजेक्शन में। हमें पता है जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, डॉगकॉइन है, ये सब जो है ये ब्लॉकचेन पे डिपेंड करते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरे टॉपिक को आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाएंगे, और हम जल्दी ब्लॉकचेन पे पूरा डिटेल कोर्स लेके भी आने वाले हैं। तो बने रहें चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्रिप्टो इनसाइडर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको क्रिप्टो की हर वो जानकारी प्रोवाइड कराएंगे जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है। तो हमें पता है कि क्रिप्टो में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है और जो हमारे लिए ओपन होगी, उसमें ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है। उसमें ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है, DLT का इस्तेमाल भी किया गया है। अभी DLT क्या है? तो DLT मान लेते हैं कि आपके खाते में किसी ने 2 क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कर दिए, तो आपको मैसेज आएगा कि यू हैव क्रेडिटेड 2 क्रिप्टो करेंसीज। अब ये क्रिप्टो करेंसी आपके खाते में आ गई है, इसकी जानकारी आपको है कि आपके खाते से ही क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई है, बट ये जानकारी गवर्नमेंट को नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं पता है कि आपके खाते में ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई है। मगर अगर हम ये DLT का इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को अपने क्रिप्टो के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमें गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है कि ये 2 क्रिप्टो करेंसीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं, ये कहाँ से आई हैं, किसने भेजी हैं। तो यही होता है DLT का फायदा। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में ये DLT सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलता है कि बिटकॉइन कहाँ से आया, किसने हमें बिटकॉइन दिया, जो कि एक कारण है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करता है बिटकॉइन को। बिटकॉइन इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। जो CBDC है, इसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपको एक एक कॉइन, एक एक करेंसी की इंफॉर्मेशन RBI को होगी, RBI के पास ये एक्सेस होगा कि वो आपको पता लगाए कि ये बिटकॉइन कहाँ, ये करेंसी कहाँ से आई, किसने आपको दी। तो यही फायदा है CBDC का, और ये नुकसान है बिटकॉइन और क्रिप्टो की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आप किसी USA के क्लाइंट से संपर्क कर रहे हैं, उसने आपको बदले में बिटकॉइन दिया। अब बिटकॉइन आपको दिया, आप क्या करेंगे, उस बिटकॉइन को रिडीम कर लेंगे। आप बिटकॉइन को रिडीम कर सकते हैं, बट अगर कुछ एरर के कारण वो बिटकॉइन रिडीम ही नहीं हुआ, या किसी और कारण से वो पायरेटेड निकला, फेक निकला,
तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली थाने में जाएंगे कंप्लेन करेंगे और आप कोर्ट में जाएंगे कंप्लेन करेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। जी हाँ, बिटकॉइन इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप जो सुनवाई करेंगे वो कोई नहीं सुनेगा। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि आप अगर आपको कोई 10,000 रुपये देता है, 10,000 का चेक देता है और वो आपको केवल 5,000 का ही मिलता है, तो इसके लिए आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो RBI आपकी मदद करेगा इस चीज़ को सुनने में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर है कि सारा रुपया आपका ही होगा। बट क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने नोट में देखा होगा, 100 रुपये के नोट में देखेगा, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इससे आपको 100 रुपये गवर्नमेंट देती है। बट जब हम बात करते हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मगर अगर हम बात करें CBDC में, तो हाँ, इसमें ऐसा होगा, क्योंकि ये RBI से अप्रूव्ड होगा। यही फायदा है CBDC बिल्कुल इंडियन रुपीस की तरह ही है। जैसी अहमियत इंडियन रुपीस को दी जाती है, वैसे ही अहमियत CBDC को दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब इंडियन रुपीस और CBDC एक हैं, तो ऐसी हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है CBDC का इस्तेमाल करना पड़ेगा रुपयों की जगह। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप CBDC का इस्तेमाल करेंगे रुपये का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इससे कुछ फ़ायदे आपको हो सकते हैं। पहला फ़ायदा जो गवर्नमेंट को होगा CBDC लाने का, वो ये होगा कि जो नोट प्रिंटिंग का कॉस्ट है, पर नोट को प्रिंट करने का जो कॉस्ट गवर्नमेंट देता है, उससे उसको राहत मिलेगी, जिससे प्रिंटिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी। नंबर दूसरा फ़ायदा जो आपके लिए है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अपना जो है करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, तो जो ब्रोकर है और काफ़ी चीज़ों से आपको जो पैसा देना पड़ता है, वो जो फीस आपकी ज़्यादा लेते हैं अपने मन मुताबिक, वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगी। फ़ायदे और भी हैं, किसी डिटेल्ड वीडियो में फायदे के बारे में बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी पे मैं बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी, सारी क्रिप्टो करेंसी, इंडियन क्रिप्टो करेंसी की जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है अगर आप चाहते हैं कि सारी जानकारी आपको मिले। आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको समझनी चाहिए, कि हर क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है, बट हर डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं होती। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। CBDC से और भी बहुत सारी जानकारी हैं, अगर मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आने वाले किसी और वीडियो में CBDC पे पूरी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कंसिडर कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।